ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। भारतीय नमो संघ ने नेपाल के प्रधानमंत्री का किया पुतला दहन। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। जानकारी अनुसार भारतीय नमो संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार तोमर मन्नू भैया के निर्देश अनुसार मध्य प्रदेश अध्यक्ष मुकेश दीक्षित, प्रदेश संयोजक अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अध्यक्ष इमरान अली खान के नेतृत्व में किया गया रॉड भगत सिंह की प्रतिमा के सामने कार्यकर्ताओं के साथ नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का पुतला दहन किया गया। नेपाल प्रधानमंत्री के द्वारा भगवान राम की जन्मभूमि पर आरोपित बयानबाजी कर हिंदुत्व को गुमराह करने की साजिश की जा रही है। भगवान राम की जन्मभूमि पर भारत के बनाए गए कानून अनुसार विवाद को निपटाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को 5 जज मजिस्ट्रेट की अनुशंसा पर राम जन्मभूमि का पक्ष रखकर निर्णय भी दिया गया था, जिसका पालन संपूर्ण भारत का नागरिक कर रहा है। और अब देश में हिंदुत्व को भटकाने की दोगली साजिश नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है, जो कि गलत है, निंदनीय है। हम ऐसे प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर उनके मस्तिष्क की शुद्धिकरण करने के लिए यज्ञ भी करवा कर उनकी बुद्धि के विकास की कामना भी करते हैं। इस कार्यक्रम में भारतीय नमो संघ के पद अधिकारी काफी आक्रोश में शामिल हुए और घोर निंदा भी की। प्रदेश अध्यक्ष मुकेश दीक्षित, प्रदेश संयोजक इमरान अली खान, प्रदेश महामंत्री फरमान हुसैन, प्रदेश संगठन मंत्री रामेंद्र शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष रवि खान चंबल संभाग, अध्यक्ष डी के श्रीवास, उपाध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास, जिला अध्यक्ष हृदय सोनी, कार्यकर्ता लल्ला खान, आनंद सिंह कुशवाहा, मुन्ना खान, कयूम खान, नीरज यादव, कुलदीप रजावत आदि कार्यकर्ता शामिल हुए। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। आज एक प्रधानमंत्री नेपाल का पुतला दहन किया है, क्या है ये पूरा मामला? आज देश में भारतीय नमो संघ ने मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में नमो संघ के माध्यम से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का पुतला दहन किया गया है। जिस तरीके से उन्होंने भगवान श्री राम के ऊपर और अयोध्या जन्मभूमि को लेकर जो जिस तरीके से विवादास्पद बयान दिया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। भारतीय नमो संघ परिवार इसकी घोर निंदा करता है कि जिस तरीके से उन्होंने आराध्य भगवान श्री राम को लेकर, उनकी जन्मभूमि को लेकर, जिस तरीके से सांस्कृतिक विचारधारा को जिस तरीके से धूमिल करने का काम किया है, ये बहुत ही घोर निंदनीय है।